हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम विकरों की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम और टर्मिनोलॉजी ऑफ एंजाइम यानी कि एंजाइम्स के टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। एंजाइम्स, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उसमें प्रोटीन की संरचना के आधार पर या एंजाइम्स की जो संरचना होती है, वो दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एक सरल एंजाइम यानी कि सिंपल एंजाइम और दूसरा जटिल एंजाइम यानी कि होलो एंजाइम। जटिल को कॉन्जुगेटेड भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी एंजाइम बोलते हैं। वे एंजाइम्स जो केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं यानी कि जो केवल प्रोटीन से बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सरल एंजाइम यानी कि सिंपल एंजाइम बोलते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और जो अन्य एंजाइम्स होते हैं, पेपाइन एट्सेट्रा, वो सब सिंपल एंजाइम्स होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीनियस पार्ट है, और इसके साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। और जब तक ये नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि प्रोटीन रहित भाग है, ये इस प्रोटीन भाग के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, तब तक ये सक्रिय रहता है प्रोटीन का पार्ट और ये एंजाइम की तरह काम नहीं करता। जो प्रोटीन युक्त भाग होता है उसे हम एपो एंजाइम बोलते हैं और इसको हम कोफैक्टर बोलते हैं यानी कि सहकारक बोलते हैं। और जो पूरा एंजाइम होता है इसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो वर्ड लगाते हैं संपूर्ण के लिए, कंप्लीट के लिए। तो जटिल एंजाइम्स वे एंजाइम्स होते हैं जिसमें दो भाग होते हैं, एक प्रोटीन भाग वाला होता है, एक प्रोटीनियस भाग होता है, प्रोटीन भाग होता है जिसे एपो एंजाइम बोलते हैं, एक प्रोटीन रहित भाग होता है यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो अमीनो एसिड से नहीं बना होता, उसे हम कोफैक्टर या सहकारक कहते हैं। सहकारक या कोफैक्टर के साथ जुड़े होने पर ही इस एपो एंजाइम की एक्टिविटी, क्रियाविधि होती है, अन्यथा ये क्रियाशील नहीं होता है। प्रोटीन भाग एपो एंजाइम कहलाता है, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाता है, और कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम इज इक्वल टू कॉल्ड होलो एंजाइम, संपूर्ण एंजाइम। लेकिन ये जो कोफैक्टर होते हैं वो इससे दृढ़ता से भी जुड़े हो सकते हैं और लूजली यानी कि ढीले भी जुड़े हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं यानी कि कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। इसके आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, सहविकर यानी कि कोएंजाइम, धातु आयन यानी कि मेटल एक्टिवेटर्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप या प्रोस्थेटिक समूह। सहविकर जो कार्बनिक पदार्थ एपो एंजाइम से लूजली जुड़ा होता है, ढीले से रूप से जुड़ा होता है, दृढ़ता से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। जैसे इसके जो एग्जाम्पल है वो विटामिन्स एएमपी, एडीपी, एनएडीपी, एनएडी और एनएडीपी, एफएनएमएन, एफएडी, लिपोइक अम्ल आदि। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें जब तक कोई मेटल उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, तब तक वो कार्य नहीं कर पाता है। तो इन प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं, इनमें जो लूजली यानी कि दृढ़ता से जुड़ा हुआ नहीं होता, एक जो अकार्बनिक पदार्थ होता है या धातु आयन होता है, जब वो जुड़ जाता है उस प्रोटीन युक्त पार्ट से, तभी वो अपनी क्रिया दिखाता है, अर्थात उससे पहले वो इनएक्टिव रहता है, लेकिन इसके जुड़ने के बाद वो एक्टिव हो जाता है। और जो जुड़ने वाले आयन्स होते हैं वो एमएन, मैंगनीज, एफई, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर आदि होते हैं। और जब कोई स्थायी रूप से दृढ़ता से जुड़ा हुआ कोई कार्बनिक या कभी कभी अकार्बनिक पदार्थ
प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़कर उसकी क्रियाविधि को बढ़ाता है, तब हम उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक समूह, जैसे हीम है, फ्लेविन है, बायोटीन है, आयरन सल्फाइड है, कॉपर है, यूबिक्विनॉन होते हैं, ये प्रोस्थेटिक समूह कहलाते हैं। तो जब कोई लूजली जुड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ होता है तो वो सहविकर यानी कि कोएंजाइम कहलाता है, जैसे विटामिन है, एएमपी आदि हो सकते हैं। और जब कोई मेटल जुड़ा होता है, आयन जुड़ा हुआ होता है, तब उसे हम धातु आयन मेटल एक्टिवेटर कहते हैं। और जब दृढ़ता से जुड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ या कभी कभी अकार्बनिक पदार्थ होता है जो प्रोटीन से जुड़ा होता है, तब हम उसे प्रोस्थेटिक समूह बोलते हैं। एंजाइम की संरचना में हमें एक थोड़ा सा पार्ट समझ में आना चाहिए, क्या कि एक टर्म होता है एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल। एक्टिव साइट किसी भी प्रोटीन का वो पार्ट होता है, किसी भी एंजाइम का वो पार्ट होता है, वो विशिष्ट भाग होता है जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में, यानी कि जो उत्प्रेरित, जो एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित रिएक्शन है, उसमें जो सबस्ट्रेट होता है, यानी कि जो क्रियाधार होता है, जो सबस्ट्रेट यूज हो रहा है रिएक्शन में, वो सबस्ट्रेट जिस साइट से आकर जुड़ता है, हम उसे एक्टिव साइट बोलते हैं। अर्थात एक्टिव साइट स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट स्थल होता है एंजाइम पर, जिस पर कोई भी सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है और वो कैटालाइज होता है, अर्थात उत्प्रेरित होता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। वो जो एक्टिव साइट होती है, कोई भी किसी भी एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है, और वो अमीनो अम्लों के विशिष्ट अनुक्रमों से बनी हुई होती है। और उसका जो निर्धारण होता है, उसका जो निर्धारण है वो जेनेटिक कोड के द्वारा होता है। तो ये जो एक्टिव साइट का निर्धारण है वो जेनेटिक कोड के द्वारा होता है, अनुवंशिक कूट के द्वारा इसका निर्धारण होता है। तो एक्टिव साइट प्रोटीन की संरचना में या एंजाइम्स की संरचना में वो भाग होता है जिससे कोई भी सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। प्रत्येक एक्टिव साइट अमीनो अम्लों का विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसका निर्धारण जेनेटिक कोड के द्वारा, आनुवंशिक कूट के द्वारा होता है, और ये कैटालाइज करती हैं रिएक्शन को, और इसके द्वारा ही कोई रिएक्शन कैटालाइज होती है, क्योंकि जब तक एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ता है तब तक रिएक्शन कैटालाइज नहीं होती है। इसके बाद दूसरे एक वर्ड और पता होना चाहिए हमें, एलॉस टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट एक्टिव साइट से अलग एक ऐसी स्थल होता है, एक ऐसी साइट होती है प्रोटीन पर जिस पर कोई सबस्ट्रेट से अलग कोई पदार्थ आकर जुड़ता है, यानी कि जो सबस्ट्रेट नहीं होता, सबस्ट्रेट से अलग कोई पदार्थ उससे आकर जुड़ता है, उसे हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। और जो सबस्ट्रेट उस पर जुड़ता है आकर, उसे हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर बोलते हैं। और वो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर उस रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है जो एंजाइम के द्वारा नियंत्रित हो रही है। जब वो उसे बढ़ाता है तब हम उसे पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बोलते हैं, और जब उसे घटाता है तब हम उसे निगेटिव मॉड्यूलेटर कहते हैं। ऐसे एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहलाते हैं। तो एलोस्टेरिक साइट एक विशिष्ट साइट होती है जो एक्टिव साइट से अलग होती है, जिस पर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ता, सबस्ट्रेट के अलावा कोई अन्य पदार्थ जुड़ता है, और ऐसी साइट को हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। जो सबस्ट्रेट उससे जुड़ता है, जो पदार्थ उससे जुड़ता है, वो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर कहलाता है। वो उस रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। जब वो बढ़ाता है तब उसे पॉजिटिव मॉड्यूलेटर कहते हैं, और जब उसे घटा देता है तब उसे निगेटिव मॉड्यूलेटर कहते हैं। और ऐसे एंजाइम्स एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहलाते हैं। इसकी जो एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसकी जो एग्जाम्पल है एलोस्टेरिक हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब कुछ विशिष्ट टर्म एंजाइम्स के साथ यूज होते हैं, कुछ विशेष शब्द यूज होते हैं जिसे हम टर्मिनोलॉजी में पढ़ते हैं। पहला है एंडो एंजाइम। अब एंडो एंजाइम नाम से पता चल रहा है, एंडो माने होता है अंदर और एक्सो माने होता है बाहर। तो वे एंजाइम्स जो सेल के अंदर फंक्शन करते हैं हम उन्हें एंडो एंजाइम बोलते हैं, जबकि वे एंजाइम जो सेल के बाहर निकलकर काम करते हैं उन्हें हम एक्सो एंजाइम कहते हैं।
एक्सो एंजाइम के जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पाचन के एंजाइम, यानी कि डाइजेशन के एंजाइम। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो कीटहारी पौधों, इंसेक्टिवरस प्लांट्स के जो एग्जाम्पल होते हैं, प्लांट्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्सो एंजाइम के हैं। और जाइमेज कॉम्प्लेक्स, जो ईस्ट में जाइमेज कॉम्प्लेक्स होता है जो फर्मेंटेशन करता है, किण्वन करता है, वो भी एक्सो एंजाइम का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बॉडी से बाहर निकलकर अपना काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम प्रो एंजाइम या जाइमोजेन कहते हैं, जाइमोजेन या प्रो एंजाइम। प्रो माने क्या होता है? पहले, फर्स्ट। कुछ एंजाइम्स अपनी अक्रिय फॉर्म में, अक्रिय अवस्था में, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं और वो किसी अन्य एंजाइम या किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। डाइजेशन में कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में स्रावित होते हैं, सिक्रीट होते हैं, इन्हें हम प्रो एंजाइम या जाइमोजेन कहते हैं। जैसे पेप्सिनोजेन पेप्सिन बनाता है, पेप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है जो आगे जाकर पेप्सिन बनाता है। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, ये ट्रिप्सिन बनाता है, वो काइमोट्रिप्सिन बनाता है। और अनेक एंजाइम्स होते हैं जो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, अक्रिय फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, जिन्हें हम प्रो एंजाइम या जाइमोजेन कहते हैं। बाद में किसी अन्य एंजाइम अथवा किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति में वो एक्टिव फॉर्म में, सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद होता है, एक टर्म होती है आइसो एंजाइम। आइसो माने क्या होता है? समान। आइसो एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जिनका टर्न ओवर नंबर डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो कार्य सेम करते हैं। अर्थात ऐसे एंजाइम जो सेम रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, सेम रिएक्शन को, जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, या सेम काम करते हैं, समान काम करते हैं, आइसो एंजाइम कहलाते हैं। और इनका मॉलिक्यूलर कॉन्फिगुरेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है, अर्थात इनकी जो संरचना होती है वो अलग होती है लेकिन कार्य समान होता है। सोलेफॉर्म अल्फा अमाइलेज की पाई जाती है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम की सोलह फॉर्म्स पाई जाती हैं, जबकि एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है उसकी 5 फॉर्म्स पाई जाती हैं अलग अलग। तो अलग अलग 5 एंजाइम सेम काम करते हैं, इसमें अलग अलग 16 एंजाइम सेम काम करते हैं, इनका मॉलिकुलर कॉन्फिगुरेशन अलग अलग होता है और इनका टर्नओवर नंबर भी अलग हो सकता है। ये सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो डिफरेंट जीन्स के द्वारा, भिन्न भिन्न जीन्स के द्वारा संश्लेषित होते हैं लेकिन काम समान करते हैं। कुछ एंजाइम्स इंड्यूजेबल एंजाइम्स कहलाते हैं, यानी कि प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। जब कोई पदार्थ किसी एंजाइम के सिक्रीशन को, स्राव को या निर्माण को उत्प्रेरित करता है, ऐसे एंजाइम्स इंड्यूजेबल यानी कि प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। जैसे लैक्टेज है, नाइट्रोजिनेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है जीवाणु में, ये एंजाइम्स प्रेरक यानी कि इंड्यूजेबल एंजाइम्स कहलाते हैं। कुछ एंजाइम्स एक्स्ट्रो एंजाइम कहलाते हैं। एक्सट्रीमो एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? कि जो बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करते हैं उन्हें हम एक्सट्रीमो एंजाइम्स कहलाते हैं। जैसे टैक पॉलीमरेज जो होता है कुछ बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और वो 80 डिग्री 100 डिग्री के आसपास भी काम करता है, इतने अधिक तापमान पर भी वो काम करता है, तो तब उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रीमो एंजाइम बोलते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो डिटर्जेंट्स में यूज होते हैं, जिन्हें हम बायो डिटर्जेंट्स बोलते हैं। तो एंजाइम्स जो वॉशिंग पाउडर बनाने में यूज होते हैं उन्हें हम बायो डिटर्जेंट्स बोलते हैं। जैसे एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, ये डिटर्जेंट्स में डाले जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जैसे दागों को हटाने के लिए। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमेशा कॉन्स्टेंट अमाउंट में, निश्चित अवस्था मात्रा में सेल में प्रेजेंट होते हैं और वो हमेशा सेल के लिए जरूरी होते हैं, सेल में काम करने के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें हम हाउसकीपिंग और कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स कहते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।